गांव के लिए एक मिसाल की कहानी। गांव में फैला आईटी कंपनी का मायाजाल, लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है श्रीधर वेम्बू। भारत में हर साल हजारों युवा पढ़ाई पूरी करने के बाद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेस्ला जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने के सपनों के साथ विदेश जाना चाहते हैं। बहुत से लोगों की यह चाहत पूरी भी हो जाती है। हालांकि इनमें चुनिंदा युवा ऐसे भी होते हैं जो विदेशों में काम करने के बाद वापस अपने देश लौट आते हैं। इन्हीं में से एक नाम श्रीधर वेम्बू का है। चेन्नई से लगभग 650 किलोमीटर दूर तेनकासी जिले के एक छोटे से गाँव माथालम पराई में श्रीधर वेम्बू का जन्म 1968 में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर थे। सरकारी सहायता से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद आईआईटी मद्रास से उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अमेरिका चले गए। श्रीधर वेम्बू ने 1989 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की। अमेरिका के सैन डिएगो में स्थित क्वालकॉम कंपनी में उन्होंने 2 साल नौकरी भी की, जिसमें उनका मन नहीं लगा। नौकरी छोड़कर वो भारत लौट आए। इसके बाद 1996 में सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एडवेंट नेट नाम से एक कंपनी शुरू हुई। फिर 2000 में Y2K की वजह से टेक्नोलॉजी में भारी बदलाव आ गया, जिसके बाद उन्होंने कुछ नया करने का सोचा। अपनी इसी सोच को साकार करते हुए उन्होंने ज़ोहो कॉरपोरेशन की शुरुआत की। आज दुनिया भर में ज़ोहो के लगभग 6 करोड़ यूजर्स हैं और ये कंपनी करीब 12,000 लोगों को रोजगार देती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेक्टर में ज़ोहो कॉरपोरेशन एक बड़ा नाम है। इसके संस्थापक व CEO श्रीधर वेम्बू को फोर्ब्स पत्रिका के अमीर भारतीयों की सूची में 3.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ 48वां स्थान मिला है। 2021 में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत सरकार ने ज़ोहो कॉरपोरेशन समेत उनके सामाजिक कार्यों को देखते हुए उन्हें भारत के 4th सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया था। भारतीय गाँव में प्रतिभाओं की कमी नहीं होती, लेकिन यहाँ रोजगार के अवसर नहीं होते। नौकरी या अपना काम शुरू करने के लिए अधिकतर लोग गांव से शहर, फिर शहर से विदेश भी जाते हैं। श्रीधर वेम्बू ने इस प्रक्रिया को बदलने की कोशिश की है। उन्होंने गांव में ही रोजगार पैदा करने की कोशिश की है। इसकी पहल उन्होंने अपनी कंपनी ज़ोहो से की और कंपनी का संचालन अपने पैतृक गाँव माथालम पराई से शुरू कर दिया। वैसे तो ज़ोहो कंपनी का मुख्यालय चेन्नई में है, लेकिन माथालम पराई में कंपनी का सैटेलाइट ऑफिस है। ये सब उन्होंने कर्मचारियों को उनके घरों के करीब काम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया। आज उन्होंने माथालम पराई में लगभग 500 ग्रामीणों को रोजगार दिया हुआ है। वे गांव के अधिकतर बच्चों को स्वयं उच्च प्रशिक्षण की शिक्षा देकर अपनी ही कंपनी में रोजगार देते हैं, जिससे उनके पैतृक गाँव से शहर की ओर पलायन पर रोक लगी है और वह एक रोजगार युक्त गाँव बन गया है। श्रीधर वेम्बू साधारण आदमी की तरह पारंपरिक कपड़े पहने माथालम पराई गांव में साइकिल पर घूमते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। उनका कहना है कि बच्चों को शिक्षित करना उनके लिए एक अहम प्रोजेक्ट बन गया है। अब वो इसे एक मॉडल के रूप में विकसित करने की योजना बना रहे हैं। श्रीधर वेम्बू ने हाई स्कूल और डिप्लोमा छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए ज़ोहो स्कूल ऑफ लर्निंग की शुरुआत की है। श्रीधर वेम्बू का कहना है कि मुझे लगता है कि हम सैकड़ों ज़ोहो खड़े कर सकते हैं। हमारे देश में प्रतिभा की भरमार है। भारत के लोगों की क्षमता को देखते हुए ज़ोहो का आकार भी कम से कम 100 गुना और बड़ा होना चाहिए। उनका मानना है भारत में इतना टैलेंट है कि हमें दुनिया का सबसे विकसित देश होना चाहिए। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।